नमस्कार, मैं मुनाब बलोच आपके लिए लेकर आया हूँ आपके अपने YouTube चैनल PKP पर एक जन जागरण शिविर कैंसर के लिए। तो अभी आप देख रहे हैं कि आज दिन अखबार पढ़ दे लोगों की हालात कि भाई बहुत से लोग आते हैं यहाँ पर कि भाई टाटा हॉस्पिटल में हमको जाना है, आपके वहाँ कोई पहचान है क्या। तो इसी तरह लोगों को हम भेजते गए तो मालूम पड़ा कि बहुत सारे लोग हैं जिसको इस बीमारी के अंदर मुबतला है। तो इसके बारे में एक दिन बैठ के गौर किया गया कि जो बेसिक बीमारियाँ हैं कैंसर के अंदर उसको कैसा रोका जाए और इसके जो शुरुआती दौर है उसको किस तरह रोकना, इसके बारे में लड़कों ने सब बात करके इसको शिविर को अटेंड किया। कैंसर जो बीमारी है पहले बहुत रैली सुनाई देती थी, पर आज कैंसर इतना आम हो गया है, इतना आम हो गया है कि लोग इलाज करने से डर रहे हैं और इलाज इसलिए नहीं कर रहे हैं कि उन्हें पता ही नहीं कि क्या करना चाहिए। तो ये जन जागरूकता लोगों में होनी चाहिए कि कैंसर भी इलाज वाली बीमारी है, इसके इलाज से भी हम इसको इलाज से हम बच सकते हैं। हमारे इस जन जागरण शिविर में टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के कंसल्टेंट कैंसर के बारे में सारी जानकारियां देंगे। मेरा पहला सवाल है आप लोगों के लिए, इंसान के शरीर में कैंसर कहां कहां में होता है? एक है बाल और दूसरे है नाखून, ये दो जगह छोड़ के इंसान के शरीर में कैंसर की बीमारी कहीं पे भी हो सकती है। खास करके खास तौर पर अपने देश में तीन प्रकार के कैंसर ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, स्तन का कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, गर्भाशय मुख का कैंसर और तीसरा है मुंह का कैंसर। हम घर से बाहर निकलेंगे 5 मिनट के डिस्टेंस पे हमें ऐसे बाहर वाले लोग नजर आएंगे। सिगरेट पीने वाले बंदे को पूछना है ये जो हिस्सा है इसको क्या कहते हैं, बंदा फ्लेक्सिबल है या इसको फिल्टर कहते हैं। आपको पता है तंबाकू वाली चीज नाकों से सुनते हैं, पता है तकीर नाम सुना है, सारी चीजों का हम यहाँ पे बातें करेंगे। नेक्स्ट टाइम तंबाकू का धूम्रपान के लिए किस तरह से उपयोग होते हैं, इंसान को हानि ना हो इसलिए कंपनी ने भी खास करके सिगरेट के पीछे फिल्टर फिटाया हुआ है। फिल्टर युक्त सिगरेट हम इस्तेमाल करेंगे तो कैंसर नहीं होगा। तंबाकू एक ऐसी चीज है जिसको आप कहां से भी कितने भी बार फिल्टर करके ले लेंगे तो वो अपना खुद का गुदर्भ पर नहीं छोड़ती है। हुक्के के टेबल के साइड पे जो चेयर रखी हुई रहती है उसी चेयर के ऊपर बैठ के बड़े बड़े बिजनेसमैन उनके बिजनेस के डील करते थे, साथ में क्या होता था हुक्का। इसी के बारे में भी लोगों में बहुत बड़ी गलतफहमी है, उबले हुए पानी से फिल्टर होके धुआं मेरे मुंह में आ रहा है तो मुझे खतरा नहीं है। आप जो रास्ता चुन रहे हो खुद के बर्बादी के एंड तक आप लेके जा रहे हो, खुद को कैंसर की बीमारी तक लेके जा रहे हो। अरे स्वामी समर्थ जी करते थे, मुझे माफ कीजिए, स्वामी समर्थ जी करते थे तो मैंने किया तो क्या पूरा है। फ्रांस साहब ने आप सबको देखा होगा, ये फ्रेंड थी फ्रांस साहब की, क्या है क्या है पाइप, अभिनेता प्राण को देखा है आपने, बेचारे को पाइप मुंह में लेने के अलावा बात ही नहीं होती थी उनके। प्राण के पिक्चर देखे कि नहीं, ये उनके साथ देखा होगा मुंह में एक साइड पर लगे हुए हैं और डायलॉग मार रहे क्या, तो ये हम क्या कर रहे हैं इसको प्रमोट कर रहे हैं। ये भी तंबाकू इस्तेमाल करने का ही माध्यम है और ऐसे माध्यम इस्तेमाल करते रहेंगे तो आगे जाके लंग का फेफड़े का कैंसर होने वाला है, सांस नली का आपकी खराब होने वाली है कैंसर के माध्यम से।
अवेयरनेस जो बोला जाता है, जो जागृति होती है, जो कि कैंसर है या नहीं है, वो तभी आएगा जब तक कि वो खुद को नहीं पहचान पाएगी। हमारे स्तन हमारे बदलते हार्मोन्स के साथ उनके प्रभाव में महीने भर बदलते रहते हैं। इसीलिए हर महिला को अपने लिए क्या सामान्य है ये जानना जरूरी। अपने स्तनों को भली भांति जान लेना हर महिला के लिए जरूरी। सर्वाइकल कैंसर उन कैंसरों में से एक है जिनसे बहुत आसानी से बचा जा सकता है। सर्विक्स, इसे गर्भाशय के निचले संकीर्ण भाग को कहते हैं जो गर्भाशय से वजाइना को मिलाता है, इसीलिए सर्विक्स को गर्भाशय के मुंह का कैंसर भी कहा जाता है। वैसे तो इसे होने के बहुत सारे कारण हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा आम एक वायरस होता है जिसे हम ह्यूमन पैपिलोमा वायरस कहते हैं। कई बार इसका संक्रमण स्वयं ही ठीक हो जाता है, पर कभी कभी लंबे समय तक इसका इन्फेक्शन रहने से कुछ बदलाव आते हैं जो बाद में सर्वाइकल कैंसर का रूप ले लेते हैं। धूम्रपान यानी कि स्मोकिंग, इससे जो खून जो है वो गाढ़ा हो जाता है, जो थक्के बनने की संभावनाएं बढ़ जाती है। धूम्रपान से दिल की गति बढ़ती है, रक्तचाप बढ़ता है, लीवर में जो चर्बियां होती हैं वो वहां से निकलने लगती हैं और रक्त में परिसंचरण शुरू हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है। आप खाली सुपारी भी खाएंगे, खाली सुपारी बोल रहा हूँ मैं, सुपारी के साथ कोई भी मिक्स मत करो, खाली सुपारी भी आप खाएंगे तो भी मुंह का कैंसर हो सकता है। कैसे होता है मैं बता देता हूँ। खाने के लिए इस्तेमाल होने वाली जो सुपारी है वो हम काट देते हैं और काटने के बाद उसके छोटे छोटे क्या होते हैं, टुकड़े बन जाते हैं। इन टुकड़ों को छोटे छोटे क्या होते हैं, रोक देते हैं और हम मुंह में क्या करते हैं, डाल के चबा देते हैं। चबाने की क्रिया जब चलती रहती है तो वो जो नोक है सुपारी के, हमारे ओरल कैविटी में मुंह के अंदर के हिस्सों को कहीं पे भी लग के वहाँ क्या होता है, घाव बन जाता है। बच्चा क्या कह रहा है, जिसने जन्म नहीं लिया है ऐसा बच्चा उसके माँ को कह रहा है, हे मम्मा इसमें मेरा क्या दोष है, अभी मैं पैदा भी नहीं हुआ हूँ, फिर भी इतना तुम मेरे मुझे इतना दोष दे रही हो, सिगरेट का, गुटखे का, मावे का, तंबाकू का, इसमें मेरा क्या दोष है। अगर लेडी प्रेग्नेंट है और वो ऐसी चीजों का इस्तेमाल कर रही है तो पेट में पलने वाला बच्चा उसके ऊपर उसका गहरा असर हो सकता है, वो बच्चा अंधा पैदा हो सकता है, बच्चा गूंगा पैदा हो सकता है, बच्चा बहरा पैदा हो सकता है, बच्चा समय से पहले पैदा हो सकता है, बच्चा मरा हुआ पैदा हो सकता है। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो किसको लग गया वो लास्ट में इसके मालूमात और खबर मिलती है। तो डॉक्टर से बात की कि भाई इसको रोकना कैसे, तो बोले इसको जो शुरुआती दौर में किस तरह कंट्रोल किया जाता है उसके ऊपर तवज्जो ज्यादा है, तो बहुत सारे को कंट्रोल होता है। लोगों के दिमाग में है कि कैंसर बस ना इलाज बीमारी है, पर ऐसा नहीं है। अगर हम पहले प्रिकॉशन लेंगे तो कैंसर जरूर बचा जाए। इसीलिए मेरे दिल में एक ऐसी ख्याल आया कि एक ऐसा शिविर लिया जाए जिसमें लोगों को बताया जाए कि कैंसर एक इलाजदायक बीमारी है और सही वक्त पर अगर उसका इलाज हो तो उससे बचा जा सकता है। हमारे एक रिलेटिव है गुजरात में, वो कैंसर की मरीज है, लेकिन सही वक्त पर इलाज होने की वजह से आज वो अपने परिवार के साथ खुशी से खुशहाली से रह रही है। महाराष्ट्र में कौन सी चीज के ऊपर पाबंदी लगाई है गवर्नमेंट ने, गुटके के ऊपर, सचिन गुटका बंद है, चोरी चोरी चुपके चुपके। धूम्रपान तो गवर्नमेंट ने, जैसा सऊदी के अंदर ये चीजें हराम है, हराम है डायरेक्ट उसके लिए मौत है, यहाँ कोई कायदा कानून नहीं है। जैसा अभी गुटखा बैन किया है, हमने जाके यहाँ पर पुलिस पे कंप्लेंट की तो के बाबा वहाँ रेड डालो उधर माल है, तो पुलिस खुद आके इतला कर डालती है, हम रेड डालने वाले माल छुपा दो, ये ना होना चाहिए। मैं सरकार से सर इतना ही कहना चाहूँगा कि सर आप खाने पीने की चीज़ों पर टैक्स लगाते हो, इतना परसेंटेज बढ़ गया, उतना हम लोग अक्सर देखते हैं ये बजट में ये बढ़ गया, आप लोग नशीले चीज़ों के ऊपर क्यों टैक्स को दुगना तुगना चौगुना कर देते हैं।
मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग इस शिविर द्वारा बताई गई बातों पर अमल करेंगे। हम फिर जल्द ही हाजिर होंगे एक नए मिशन के साथ आपके अपने YouTube चैनल PKP पर। तब तक के लिए मैं मुनाफ बलोच आप लोगों से इजाजत चाहता हूँ। धन्यवाद।